Good morning, everyone. We have the next lesson, Discovering the Rishabha Continues. And the lesson has been written by A.R. Williams. Now we will move to the summary of this lesson. Tat Khamun. This is the name of a great leader from Pharaoh dynasty. There is a dynasty in olden times and the name is Pharaoh dynasty. He was young when he died. It means that king died in very tender age. बहुत कम उम्र में उस राजा की मौत हो गई थी. According to some people, his death was a murder. कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि वो डेथ जो है एक मर्डर था, उनको मार दिया गया था. In the year 1922, his tomb was exposed by Howard Carter, an archaeologist, after 80 years. He was taken for the CT scan to solve the mystery of his life and death through a forensic reconstruction. It means when the king died, it was a mystery, एक रहस्य था कि how he died, आखिर वो मरे कैसे. तो उनकी बॉडी को फिर से निकाला गया कि that will be experimented by Howard Carter, जो कि एक बहुत बड़े archaeologist है, और वो इस चीज का स्टडी करना चाहते थे कि आफ्टर ऑल उस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं, किन कारणों से इनकी मृत्यु हुई थी, ताकि उसको निकाल के उसको सीटी स्कैन करे और साइंटिफिक जो भी प्रोसेस है मेडिकल में उसकी जानकारी लोगों को दे सके. हिज फादर और ग्रैंडफादर एमेट हॉटेप III वाज अ वेरी पावरफुल फराओ रूलर ओवर अ पीरियड ऑफ 40 इयर्स. उनके पिता उस किंग के पिता जो कि काफी कम उम्र में जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसके पिता एक बहुत ही पावरफुल लीडर साम्राज्य के रह चुके. एंड मोर ओवर हिज सन एमेनहोटेप IV, इनका नाम क्या था, एमेनहोटेप III एंड हिज सन नेम एमेनहोटेप IV, सक्सीडेड हिम and initiated the strangest period. Succeeded means उनके उत्तराधिकारी बने उनकी मृत्यु के बाद और उस साम्राज्य को आगे बढ़ाए. In the history of Egypt, Egypt के इतिहास का यहाँ पर कुछ साम्राज्य के कुछ कौन कौन लोग शासन किए उस पीरियड में ये हमें यहाँ बताया जा रहा है. His name changed to Akhenaten, which means servant of Athens. उनका नाम बाद में बदल दिया गया जिसका मतलब होता था सर्वेंट ऑफ एथेंस. ही चेंज्ड दिस रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेब्स टू एमराना. अगेन उसने अपना नाम फिर से चेंज कर लिया थेब्स टू एमराना. पहले उनका नाम क्या था, थेब्स, बाद में क्या हो गया, एमराना. लेटर ही अटैक्ड अमून, अ गॉड, ruined his images and searched his temples. बाद में अमून एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो इनके पीरियड में सारी चीजों को ध्वस्त कर दिए, जैसे कि टेम्पल्स, मंदिरों को बंद करवा दिए कि उसकी पूजा ना हो. Another mysterious ruler, mysterious means रहस्य से भरे हुए, उसमें कुछ ऐसी बात है जो लोगों को पता नहीं है. Thrived him who died very soon. तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रूलर हुए जो कि किन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, किसी ने अपना पीरियड में अपने शासन करने के बाद फिर अपने उत्तराधिकारी को शासन सौंप दिया. He sat on the power and ruled for 9 years. लेकिन जिस किंग की यहाँ बात हो रही है, जिनके टॉम से, टॉम मीन्स उनके कब्र से फिर से बॉडी को निकाला गया है, वो कितने इयर्स रूल किए थे, 9 इयर्स. नेक्स्ट
Later in January 2009, the body was taken for a CT scan. अब बहुत दिन की बात नहीं है, 2009 में इस बॉडी को फिर से क्या करने ले जाया गया, सिटी स्कैन, विच टेक्स हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज एंड जनरेट्स अ 3D इमेज। जब आज टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है 21वीं सदी में, तो उस बॉडी को स्कैन किया गया, उसके बहुत सारे एक्सरे किए गए और उसका जो एक्सरे आया उसका 3D इमेजेस भी लिया गया। That might after the scan, the workman passed his body from the tomb into a box. और सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद वापस उस बॉडी को बॉक्स में रख दिया गया। The way through the ramp and stairs and lifted the body on a hydraulic trailer that was holding the scanner. इन सारी प्रोसेस को करने में काफी समस्या हुई, बहुत तरह के मशीन का इस्तेमाल हुआ, ट्रेलर्स का इस्तेमाल हुआ, स्कैनर का इस्तेमाल हुआ। द स्कैनर सडनली स्टॉप वर्किंग एंड द प्रोसेस ऑफ सिटी स्कैन स्टॉप। और ऐसा भी हुआ कि जो सिटी स्कैन की मशीन थी उसने भी काम करना बंद कर दिया। आफ्टर द यूज ऑफ ए पेयर ऑफ स्पेयर फैंस द स्कैन वॉज फाइनली कंप्लीटेड। लेकिन फिर भी कुछ दिमाग लगा के कुछ आइडिया से स्कैनिंग को कंप्लीट किया गया। After 3 hours, they transferred his body back to his tomb, where his body is now resting in peace. और इन सारे प्रोसेस में लगभग 3 hours, 3 घंटे लगे और उसके बाद बॉडी को वापस अपनी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। तो इतना सब कुछ करने का रिजल्ट क्या हुआ? इस स्टोरी में किसी मरे हुए व्यक्ति का शव कब्र से निकालना और एक शक की वजह से एक बहुत बड़े एक्सपर्ट थे हॉवर्ड कार्चर, उनके द्वारा इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया रहस्य को जानने के लिए कि व्हाट वाज द मिस्ट्री दैट द किंग डाइड इन दिस टेंडर एज। क्या बात था कि इतनी कम उम्र में वो राजा जो है मर गए थे या उनको मार दिया गया था। दे वांट टू नो, और ये सारी चीज वो इजिप्ट के लोगों को बताना चाहते थे, नॉलेज देना चाहते। So to conclude, discovering the saga continues. This summary tells us that Tutankhamun, also known as Tut, in the short name क्या हो गया? Tut. ये जो long name है इसको short में यहाँ पर Tut बोला गया, इसलिए nation का नाम क्या है? Discovering Tut. He was a brave ruler who of the great Pharaoh dynasty. एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि ये बहुत ही महान लीडर रहे हैं। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उन्होंने देखा बहुत सारी ऐसी चीजें उनके शरीर में, जैसे कि वो ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, ऑर्नामेंट्स, बड़े बड़े ज्वेलरी, उनके यूज का सारा सामान। वो मिस्र का आपने सुना ना हिस्ट्री, कि जब वहां पर किसी भी टॉम में कब्र में शव को डालते हैं तो उस व्यक्ति से जुड़ी हुई सारी चीजें, जो जो चीज वो इस्तेमाल करते थे, उनको जो पसंद होता था, जो कपड़े पसंद थे, जो खाना पसंद होता था, जो ड्राई फ्रूट्स होता था या फिर कुछ ड्रिंक उनको पसंद होता था या उनको कुछ पहनने का ऑर्नामेंट्स होता था, गोल्ड होता था, ये सारी चीजें उनके साथ लोग जो है उसको बॉक्स में भी दफना देते थे। उनकी ऐसा थिंकिंग थी, मानना था कि ये चीज जो है व्यक्ति मरने के बाद भी इस्तेमाल करेगा। इस सोच के साथ वहां के उस कंट्री में लोग जो है वो सारी चीजें व्यक्ति के साथ ही दफना देते थे। सो दीज थिंग्स वर डिस्कवर्ड व्हाइल दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग द ट्रूथ एंड ही डाइड ए मिस्टीरियस डेथ एंड इज रेस्टिंग इन पीस इन द टॉम नाउ। So after all, the conclusion is that the king has got a mysterious death, एक रहस्यकारी उनकी मौत हुई थी, जिसकी सच जानने के लिए ये सारा चीज किया गया। It is a unique story. हम लोग ऐसी story कभी नहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं ना? So this is the truth which they wanted to know. Okay?